देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है मॉर्निंग न्यूज का, जिसमें हम आज की खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। 15 जून पॉक्सो मामले का सामना कर रहे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बीएस येदियुरप्पा बीते शनिवार को बेंगलुरु लौट आए और कहा कि वो पूछताछ के लिए आज आपराधिक जांच विभाग के समक्ष पेश होंगे। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा सीआईडी को पॉक्सो मामले के संबंध में उन्हें गिरफ्तार करने से रोके जाने के बाद एक दिन बाद लौटे। उच्च न्यायालय ने येदियुरप्पा को मामले की जांच कर रही सीआईडी के समक्ष आज पेश होने का भी निर्देश दिया। मोदी सरकार के शीर्ष सरकारी अधिकारियों के अनुसार आईसीईटी की मुख्य बैठक आज होगी। बता दें कि इस बैठक में भारत सरकार के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और अमेरिकी एनएसए जैक सुलिवन शामिल होंगे। वहीं इस बैठक में 31 जनवरी 2023 को वॉशिंगटन में हुई बैठक में लिए गए फैसलों की समीक्षा की जाएगी। जिन मुद्दों पर चर्चा होगी उनमें तेजस मार्क लड़ाकू विमान के लिए जीई 414 जेट इंजन की प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण का मुद्दा भी शामिल। आज यानी 17 जून 2024 को पूरे देश में बकरीद यानी ईद उल अजहा का त्यौहार मनाया जाएगा। बता दें कि इस कारण देश के कई राज्यों में बैंकों में छुट्टी रहेगी, जैसे अगरतला, अहमदाबाद, बेलापुर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, इम्फाल, जयपुर, ईटानगर, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोची, कोहिमा, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, नागपुर, पणजी, रायपुर, पटना, शिलांग, शिमला, श्रीनगर और त्रिवेंद्रम में बैंक बंद रहने वाले हैं। अल्मोड़ा में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या जिले के भ्रमण पर पहुंच रही हैं। बता दें कि प्रभारी अधिकारी विशिष्ट अभ्यागत ने बताया कि कैबिनेट मंत्री आज यानी 17 जून को ग्राम सौड़ा, भेटुली, अयार, पानी, अल्मोड़ा पहुंचकर वनाग्री से जान गंवाने वालों के पीड़ित परिवार से सांत्वना भेंट करेंगे। उन्होंने बताया कि इसी दिन मंत्री राम सौड़ा से देहरादून को प्रस्थान करेंगे। ईद उल अजहा बकरीद के त्यौहार के मद्देनजर आज मालेर कोटला में छुट्टी घोषित की गई है। बता दें कि इस संबंध में डीसी की ओर से लिखित आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर मालेर कोटला राजपाल सिंह ने बताया कि ईद उल अजहा का त्यौहार 17 जून 2024 को पूरे देश में मुस्लिम समुदाय द्वारा बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। शेयर बाजार आज यानी 17 जून 2024 को बंद रहेगा। बता दें कि स्टॉक मार्केट में बकरीद के त्यौहार की वजह से छुट्टी रहेगी। बाजार 18 जून को 3 दिन की छुट्टी के बाद खुलेगा। बीएसई की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार आज इक्विटी सेगमेंट, इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट और एसएलबी भी बंद रहेगा। मुरादाबाद में ईदगाह मैदान में बकरीद की नमाज सोमवार की सुबह 7:30 पर होगी। बता दें कि जामा मस्जिद में बकरीद से पहले पड़े जुमे की नमाज में काफ़ी भीड़ रही। जुमे की नमाज शहर के नायब इमाम सैयद मासूम अली आज़ाद ने पढ़ाई। इसके बाद नमाज सभी ने मुल्क में तरक्की, अमन चैन और आपसी भाईचारे की दुआ की। मेजुमे की नमाज के दौरान शांति सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुलिस बल मौजूद रहा। रेलवे प्रशासन यात्रियों की भीड़ को देखते हुए गोरखपुर से मुंबई वाया लखनऊ के बीच दोनों दिशाओं से 3-3 फेरों के लिए स्पेशल ट्रेन आज से चलाएगा। बता दें कि ट्रेन संख्या 05325 गोरखपुर से आज से 28 जून तक हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को रात 9:15 पर चलकर दूसरे दिन मध्य रात्रि के बाद 2:55 पर लखनऊ पहुंचेगी। ये ट्रेन तीसरे दिन लोकमान्य तिलक टर्मिनस 7:25 पर पहुंचेगी। जिला ऊना के धुसाड़ा फीडर के उचित रख रखाव के लिए आज यानी 17 जून को धुसाड़ा फीडर के विद्युत आपूर्ति बंद रहेगी। बता दें कि विद्युत उपमंडल चौकी मिन्यान के सहायक अभियंता इंजीनियर होशियार सिंह ने ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि फीडर के अंतर्गत आते क्षेत्र मैरा, धुसाड़ा, पालियन, घडावल, भलो, सलूरी आदि गांवों में आज सुबह 8 बजे से 5 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। मौसम विभाग ने आज और कल पश्चिमी और पूर्वी यूपी में बारिश के आसार जताए हैं। बारिश के साथ साथ 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। बता दें कि अगले 2 से 3 घंटों के दौरान उत्तरी तमिलनाडु के जिलों चेन्नई, कांचीपुरम, तिरुवल्लुवर, तिरुवन्नामलाई और वेल्लोर के कई स्थानों पर लगभग 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ेंगी। वक्त हो गया है आज के इतिहास का, तो आइए निगाह डाल लेते हैं आज के इतिहास पर। साल 1895 में आज ही के दिन प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता गोपाल गणेश आगरकर का निधन हुआ था। साल 1973 में आज ही के दिन भारत के सर्वश्रेष्ठ टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस का जन्म हुआ था।
साल 1981 में आज के दिन हिंदी चलचित्र अभिनेत्री अमृता राव का जन्म हुआ था। साल 2003 में आज के दिन फ्रांस में 165 ईरानी आतंकवादी गिरफ्तार हुए थे। साल 2015 में आज के दिन भारत के भूतपूर्व 28वें मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन पुंछी का निधन हुआ था। मॉर्निंग न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।